बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बनाऊंगी आज अरवी का सालन, मसाले वाली अरवी होगी, जिसके लिए मेरे पास अज़ा है 3 पाव अरवी है। इसको मैंने धोकर छील लिया है। प्याज, टमाटर, सब्ज़ धनिया, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें और सूखा धनिया, खुश्क धनिया, कसूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर, नमक, सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी। अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। आप उतनी देर तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स और कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी हमारी रेसिपी आपको। मैंने ऑन कर दिया। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी, जिसमें मैं अरबी को भी फ्राई करूंगी। वीडियो के लास्ट तक देखा करें और कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इस तरह से मैं अरवी को फ्राई कर लूँगी। अरवी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। 2 अदद मेरे पास बड़े साइज़ के प्याज थे। इसी तरह आप पूरी रेसिपी वीडियो को देखा करें लास्ट तक, फिर पता चलता है कैसे बनती है। दरमियान में स्किप ना किया करें। अब मैं इसमें ये टमाटर शामिल कर दूँगी जो कि उसने कटे हुए हैं। मसाले वाली अरवी तैयार होगी। अब मैं इसमें ये मसाले डाल दूँगी। हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर, नमक, कसूरी मेथी और ये लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज मिर्चें। इसी तरह से अरवी बनाएंगे, बहुत मज़ेदार आपकी अरवी बनेगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अरवी और मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें 1/2 से 1/4 कप पानी का डाल दूंगी। मसाला भी गल जाएगा और अरवी भी गल जाएगी। इसको कवर करके रख दूंगी 6 से 7-8 मिनट के लिए। 7-8 मिनट लग जाते हैं, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अरवी का सालन तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर दूंगी थोड़ा सा। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार अरवी का सालन तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा अरवी का सालन तैयार हो गया है। इसको बनाएं, इंजॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और दुआ में याद रखा करें।